हाथी का बच्चा जब छोटा होता है तो उसको एक लोहे का जंजीर के साथ बांध दिया जाता है और उस वक्त वो बहुत जोर लगाता है कि वो किसी तरह उस लोहे के जंजीर से जान छुड़ा ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उस वक्त वो बहुत छोटा होता है और वो बहुत कमजोर होता है। लेकिन जब वो बहुत बड़ा हाथी बन जाता है उस वक्त भी उसी को उस लोहे के जंजीर के साथ बांध दिया जाता है। अब वो इतना बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि अगर थोड़ा सा भी झटका दे तो उस लोहे के जंजीर को तोड़ पाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसके जहन में ये बात बैठ चुकी है कि वो लोहे का जंजीर उससे ज्यादा ताकतवर और मजबूत है और वो बड़ा हाथी अपनी कमजोरी को अपना नजरिया बना लेता है। इस तरह शायद आपको भी किसी ने बचपन में ये कहा है कि आप बहुत कमजोर हो, आप कोई काम नहीं कर सकते, आप नाकाम हो, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। हो सके आपने उसकी बातों को मान लिया हो और आपने ये नजरिया बना लिया हो कि आप बहुत कमजोर हैं, आप बहुत नाकाम हैं, आप किसी काम के नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप किसी मैदान में ये सोचते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते तो ये आपका नजरिया है बिल्कुल उसी हाथी की तरह जो अपने आप को कमजोर महसूस करता है। इंसान ज़हन के अंदर इतने ज़खायर मौजूद हैं कि अगर उसको पूरी जिंदगी भी इस्तेमाल करता रहे फिर भी उनको पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। ब्रायन ट्रेसी ने क्या खूब कहा है, देयर इज नो लिमिट व्हाट यू कैन अकाइव इन योर लाइफ, एक्सेप्ट द लिमिट यू एक्सेप्ट इन योर माइंड। यानी जिंदगी में कुछ भी हासिल करने की कोई हद मुकर्रर नहीं सवाए उस हद के जो आप अपने जहन में मुकर्रर करते हैं। जब तक आप किसी चीज के हासिल करने की कोई हद मुकर्रर नहीं करते तो आप उसको मुसलसल हासिल करते रहते हैं। अगर आपने किसी चीज के हासिल करने की हद मुकर्रर कर दी तो आप उसको वहां तक हासिल कर सकते हैं जहां तक आपने हद मुकर्रर कर दी है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने जहन में किसी भी चीज के हासिल करने की कोई हद मुकर्रर न करें। और इसे इंसानी जहन के बारे में, इंसानी सोच के बारे में नेपोलियन हिल ने कहा है, व्हाट योर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अकाइव इट। यानी आपका जहन जो कुछ सोच सकता है और उस पर यकीन कर सकता है तो उसको हासिल कर सकता है। जब तक आप कुछ सोचते नहीं तो आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप सोचते भी हैं लेकिन उस पर यकीन नहीं कर सकते तो फिर भी आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसलिए अपने जहन में कुछ न कुछ सोचें, अपने बारे में कुछ न कुछ सोचें और उस पर यकीन करें तो ये आप वही चीज हासिल कर सकते हैं क्योंकि आपके जहन की कोई हद मुकर्रर नहीं, आपका जहन बड़ा ताकतवर है। किसी और ने कहा है, इंसान जहन की ताकत का खजाना ही हमें इस दुनिया में बहुत बड़ा खजाना है। और इंसान ताकत के बारे में किसी और ने क्या खूब कहा है, ऑल पावर्स विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। दुनिया की तमाम ताकतें आपके साथ हैं और आप सब कुछ कर सकते हो। हो सके आपने ये सोच लिया हो कि आप माजी में कुछ हासिल नहीं कर पाए तो मुस्तकबिल में आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए जरूरी है कि आप अपनी माजी को भूलें। और इसी माजी को भूलने के बारे में किसी ने क्या खूब कहा है, देयर इज नो मैटर वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, इट इज मैटर वेयर आर यू गोइंग। यानी ये बात मैटर नहीं करती, ये बात ज्यादा आम नहीं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, ये बात बहुत ज्यादा आम है, ये बात बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। आपने अपनी माजी को नहीं सोचना कि आप पहले क्या थे, आपने ये सोचना है कि आपने क्या बनना है। इसलिए अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी माजी को भुला दें और अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें कि आपने क्या बनना है, तभी आप हकीकी कामयाबी हासिल कर सकते हैं।